चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है एसी ट्रीटमेंट्स इन कूलिंग वाटर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस कूलिंग टावर में जो हम लोग का पानी होता है, यानी कि कूलिंग वाटर में एसी ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड इस पानी में क्यों मिलाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं इस कूलिंग वाटर में एसी ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग का पानी है, इसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज प्रेजेंट रहता है, जो कि फ्रेंड्स हमारा डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, या हमारा सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, या कुछ ऐसे इंप्यूरिटीज होते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस पानी में मौजूद जो हमारा डिजॉल्व इंप्यूरिटीज होता है, यानी कि साल्ट्स एंड मिनरल्स जो इस पानी में मौजूद होते हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, नाइट्रेट इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पानी में जो हमारा सोडियम का कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, वही इस पानी का पीएच इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि फ्रेंड्स, इस पानी का पीएच इंक्रीज करने का मेन रिस्पांसिबल क्या होता है, सोडियम का कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, जब हम लोग एल्कलिनिटी इस वाटर का चेक करते थे, इस पानी में एल्कलिनिटी किसकी वजह से इंक्रीज होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, एल्कलिनिटी के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इस पानी में मौजूद जो हमारा कार्बोनेट है, या हमारा बाइकार्बोनेट है, या फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से इस पानी में क्या होता है, एल्किनिटी इंक्रीज होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम लोग एम एल्किनिटी एंड पी एल्किनिटी जब कैलकुलेट किए थे, तो फ्रेंड्स इसी की वजह से हमारा मिथाइल ऑरेंज एल्किनिटी भी आ रहा था, या हमारा फिनोफ्थेलिन एल्किनिटी, यही सब चीज की वजह से आ रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस पानी में एल्किनिटी इंक्रीज होगा, यानी कि फ्रेंड्स ये सब चीज का जो कंसंट्रेशन है वह अगर इंक्रीज होगा, तो एल्किनिटी इंक्रीज होगा। एल्किनिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि इस पानी का पीएच भी इंक्रीज होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस कूलिंग टावर में इस कूलिंग वाटर का एक डिजायर्ड पीएच मेंटेन करते हैं, यानी 8.5 इसका पीएच मेंटेन करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे ही इसका पीएच इंक्रीज होगा, तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होता है, हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है, और अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, पीएच इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्केलिंग भी प्रोड्यूस होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस पानी में हमारा पीएच मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग यह भी जानते हैं कि इस कूलिंग टावर में कंटिन्यूअस इवोपरेशन की वजह से ये सब जो साल्ट है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी इवोपरेशन होता है, वो हमारा प्योर वाटर का इवोपरेशन होता है, और फ्रेंड्स उस वाटर में मौजूद जो भी इंप्यूरिटीज है, यानी जो भी साल्ट है, वह यहीं पे ट्रैप हो जाता है, वह बाहर नहीं निकल पाता है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस इवोपरेशन की वजह से जो प्योर वाटर है, वह इवोपरेट होगा, और इस वाटर में मौजूद जो भी साल्ट है, वह यहीं पे कंसंट्रेट होगा, वहीं पे क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, कंटीन्यूअस इवोपरेशन की वजह से इस पानी में मौजूद हमारा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है। यानी कि फ्रेंड्स, हम लोग का पानी क्या होगा, अल्कलाइन होने लगेगा। अल्कलाइन का मतलब पीएच इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा पानी अल्कलाइन हो रहा है, तो इसको अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड डोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग इस अल्कलाइन वाटर में एसिड डालेंगे, तो इसका पीएच क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए इस पानी के अंदर मौजूद जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या फ्रेंड्स हम लोग सोडियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसका एल्किनिटी इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, इस पानी में जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, जैसे ही इस पानी के साथ मिलेगा, तो ये क्या बनाता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ मिल करके बना लेता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इसका बैलेंसिंग कैसे होगा, तो देखिए यहां पे हमारा सोडियम दो है, इधर हमारा एक है, तो यहां पे ट्वाइस कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हाइड्रोजन हमारा कितना है, दो है, तो ये दो हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहां पे तीन है, एक यहां पे चार है, तो फ्रेंड्स यहां पे दो हो जाएगा, और ये दो चार हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक ये हो गया। यानी कि फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट जैसे ही वाटर के साथ ऐड होता है, तो 2 times NaOH plus कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का NaOH है, यानी कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारा अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अल्कलाइन इन नेचर है, तो क्या करेगा, इसका पीएच इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे समझ लिए कि सोडियम कार्बोनेट कैसे ही वाटर के साथ ऐड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि अल्कलाइन होता है, और इसका पीएच इंक्रीज होता है। तो चलिए फ्रेंड,
एक एग्जांपल हम लोग बाइकार्बोनेट का ले लेते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हमारे पास इस पानी के अंदर मौजूद है। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, इसको जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ब्रेक हो जाता है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमारा टू टाइम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जैसे ही हल्का सा हीट मिलेगा तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या बना लेगा, हमारा सोडियम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस H2O बना लेगा, प्लस H2O, और क्या बचेगा फ्रेंड्स, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमारा किस में बन गया, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट फिर से हमारा क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, तो यानी एल्कलाइन। यानी फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या हमारा सोडियम कार्बोनेट भी क्या होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर आप हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए फ्रेंड्स इस पानी में हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज क्या करेगा, इसका पीएच इंक्रीज करेगा, यानी एल्कलाइन इन नेचर है तो इसका पीएच इंक्रीज करेगा। और जैसे ही हम लोग इस पानी में क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, यानी कि हमारा H2SO4 जैसे मिलाएंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, तो पहले हम लोग इसके साथ देख लेते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स, हमारा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 मिल करके क्या बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, तो सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, हमारा माइनस होता है, ये हमारा हाइड्रोजन क्या है, प्लस होता है, और सल्फेट हमारा निगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स प्लस क्या होगा, माइनस के साथ एड होगा, और ये जो प्लस है इसके साथ एड होगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा फ्रेंड्स, यहां पे देखिए पहले इसका लिख लेते हैं, तो सोडियम का Na2 है तो आप 2 लिख दीजिए, SO4 आप यहां पे लिख दीजिए SO4, और प्लस क्या बना देगा ये H2, और यहां पे OH है यानी H2O बना लेगा। तो फ्रेंड्स क्या बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स प्लस क्या बना दिया, H2O यानी कि वाटर। तो जैसे ही हम लोग एल्कलाइन वाटर में एसिड डाले तो क्या बना दिया, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, यानी कि सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल में आप बोल सकते हैं साल्ट, और प्लस क्या बना दिया, वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स इधर क्या है, हमारा एल्कलाइन है, मान लीजिए एल्कलाइन वाटर है, प्लस हम लोग क्या किए, एसिड मिला दिए, तो क्या बना दिया, जैसे ही हम एल्कलाइन वाटर में एसिड मिला दिए तो हमारा साल्ट प्लस वाटर बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। पीएच इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग का एल्कलाइन वाटर जैसे ही होगा तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एसिड का इसमें डालते हैं, और यह एसिड क्या करता है, इस एल्कलाइन वाटर को साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे ये सोडियम सल्फेट बना दिया। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड को डोज करेंगे, यानी H2SO4 को आप डोज कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इधर क्या है, हमारा प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये कैल्शियम सल्फेट बना दिया, यानी यहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और प्लस क्या बना देगा, H2O यानी वाटर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट भी क्या होता है, हमारा एक तरफ से साल्ट ही होता है, जो कि इस पानी में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, जो कि इस पानी का TDS कंडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज होता है। इस रिएक्शन से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम लोग एल्कलाइन वाटर में एसिड डोज करते हैं तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो हम लोग का साल्ट है, इस पानी में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, यानी सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, जो कि इस पानी का TDS इंक्रीज करता है, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है, हमारा टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, जो कि इस पानी का क्या करेगा, TDS इंक्रीज करेगा। और फ्रेंड्स एक चीज हम लोग जानते हैं कि TDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कि फ्रेंड्स जैसे ही हमारा TDS इंक्रीज होगा तो इसका कंडक्टिविटी ही इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारा कैल्शियम है, इस पे क्या है, प्लस होता है, सल्फेट पे क्या होता है, माइनस होता है। तो फ्रेंड्स जहां इस पानी में आयंस का अगर बात किया जाए, यानी प्लस माइनस जहां रहेगा उसका मतलब क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स ये साल्ट क्या करता है, इस पानी का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये जो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ या सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट में, या हमारा सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, हमारा एल्कलाइन इन नेचर होता है, ये हमारा एल्कलाइन इन नेचर होता है, और ये क्या है, हमारा साल्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग का एल्कलाइन वाटर है,
ठीक है, इसको हम लोग क्या किए साल्ट में कन्वर्ट कर दिए। तो फ्रेंड्स एल्कलिनिटी इसका क्या होगा कम हो रहा है, यानी कि फ्रेंड्स इसका जो पीएच है वह क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड डोज करने से हम लोग का साल्ट में तो कन्वर्ट हो गया लेकिन पीएच हम लोग का डिक्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो साल्ट है इसके अंदर क्या करता है इसका टीडीएस या कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स हम इस वाटर का टीडीएस एंड कंडक्टिविटी का भी एक लिमिट प्रोवाइड किया जाता है कि इससे ज्यादा हमारा टीडीएस या कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा टीडीएस या कंडक्टिविटी क्या करता है स्केल फॉर्मेशन करता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसका एक लिमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा लिमिट इसका क्या करेगा बियॉन्ड होने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहां से वाटर को ब्लो डाउन कर देंगे, यानी हाई कंसंट्रेशन वाटर को क्या करेंगे ब्लो डाउन करेंगे। तो जैसे ब्लो डाउन होंगे तो इसका लेवल डाउन होगा। तो फ्रेंड्स इस लेवल को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां से मेकअप वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मेकअप वाटर में क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन होता है और ये जो हम लोग का कूलिंग वाटर है इसमें हायर कंसंट्रेशन होता है। ब्लो डाउन देने से इसका पैरामीटर मेंटेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग समझ लिए कि हम लोग का अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एड हाइड्रोक्सिल की वजह से हो रहा है। और इसका अगर आपको पीएच डिक्रीज करना है तो जैसे ही हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये जो हम लोग का कार्बोनेट हो गया बाइकार्बोनेट हो गया यानी हाइड्रोक्सिल हो गया ये हमारा सल्फेट यानी कि साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हमारा पीएच डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड ये हुआ हमारा ऑल अबाउट एसिड ट्रीटमेंट के बारे में जिसमें हम लोग डिटेल से स्टडी कर लिए। उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।